करें आशा मिश्रा जी। मंचासीन मुख्य अतिथि श्री अश्विनी कुमार जी, विशेष अतिथि श्री कमल किशोर जी, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री गोविंद जी राय एवं सभागार में उपस्थित समाज के सभी बंधु बांधवी को मेरा नमस्कार। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ इस मंच पर क्या कर रही हूँ, यहाँ तो समाज की महिला अध्यक्षा को होना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूँ कि किसी निजी कारणवश हमारी अध्यक्षा श्रीमती मीता राज जी आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं और हमारी कार्यकारिणी ने मुझे उनकी ओर से समाज के समक्ष दो बातें रखने का अवसर प्रदान किया है। अतः आज मैं आपके सम्मुख अपनी बात प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रसन्नता की बात है कि समाज ने पिछले 16 वर्षों में काफ़ी तरक्की किया है। 10-15 वर्ष पूर्व का यही वार्षिकोत्सव जो हम याद करते हैं और तुलनात्मक नज़र दौड़ाते हैं तब एहसास होता है कि कितना परिवर्तन हुआ है। हर वर्ष हमारे बच्चे एक नई प्रतिभा के साथ सामने आते हैं। गर्व की बात है कि हमारी महिलाएं भी सामने आकर समाज के कार्य में बखूबी भागीदारी निभा रही हैं। इस वर्ष तो हमने महिलाएं किसी कारणवश कुछ खास नहीं कर पाई हैं, परंतु पिछले वर्ष हमने महिलाओं एवं बच्चों के लिए एक पिकनिक का आयोजन किया था, उसका जिक्र करना चाहूँगी। जैसा कि हमेशा होता है, आयोजन को लेकर 4-5 महिलाएं काफ़ी चिंतित थी कि पता नहीं कैसे होगा, हो पाएगा भी या नहीं आदि आदि। परंतु जैसे ही हमने अन्य बहनों से बातें की, उनका उत्साह देखकर हम चकित रह गए और इतनी अच्छी तरह से हमारी बहनों ने भागीदारी निभाई कि काम कैसे हो गया पता ही नहीं चला। उस पिकनिक प्रोग्राम से हम जान पाए कि हमारी बहनें जो चुप चुप सी दिखती हैं कितनी गुणी हैं, कितनी दृढ़ हैं। स्वयं को बात है स्वयं को थोड़ा मजबूत करने की। ऐसा नहीं है कि हमें अवसर नहीं मिलता, हम डर कर सहम कर स्वयं ही कदम आगे की ओर बढ़ाने के बजाय अपना पग पीछे खींच लेते हैं, पहले ही सोच लेते हैं यह कार्य हमसे नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। एक बार कदम आगे बढ़ाकर तो देखिए, फायदा उठाकर तो देखिए। मानते हूँ गलतियाँ होंगी, परंतु कोई भी अपनी माँ के गर्भ से सब कुछ सीख कर तो नहीं आता। इंसान गलतियों से ही तो सीखता है। ज़रूरत है आत्मविश्वास की, स्वयं को पहचानने की, और ये तभी संभव है जब हम अपने कदम को आगे बढ़ने से नहीं रोकें। हम किसी के लिए ऐसा क्यों सोचें कि वह सक्षम है, उनमें क्षमता है, वो कर सकती हैं, किंतु मुझमें नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, यह नकारात्मक प्रवृत्ति क्यों? ऐसा क्यों ना सोचें यदि कोई और यह कार्य कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, कम से कम एक बार कोशिश तो करके देखूं, फिर देखिएगा रास्ते कैसे अपने आप बनते जाएंगे। जब हम अपना परिवार, अपने बच्चे, नातेदार, रिश्तेदार सबका दायित्व इतनी अच्छी तरह से निर्वहन कर सकती हैं तो और क्या नहीं कर सकती। आवश्यकता है स्वयं में आत्मविश्वास जगाकर दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने की। मैं कतई नहीं कहती कि हम अपनी पारिवारिक दायित्व के निर्वहन में कभी कोई कमी करें, या तो हमारा प्रथम कर्तव्य है, यह हमारी जिंदगी है, बगैर इनके हम कुछ भी नहीं हैं। किंतु घर परिवार के साथ सामंजस्य रखते हुए भी अन्य कई कार्य हैं जो हम कर सकती हैं। कुछ ऐसा क्यों न करें जिससे हमारा परिवार भी हम पर नाज करे। तो आइए हम अपने आप से देश, समाज, परिवार एवं स्वयं के लिए कुछ कर गुजरने का वादा करें। आखिर हम देश की आधी जनसंख्या हैं। अंत में आज नई कार्यकारिणी का गठन होने वाला है, मैं उन्हें हृदय से बधाई देती हूँ, विशेष तौर पर हमारी नई महिला मंडली को। स्वयं
एवं समाज की महिलाओं की ओर से तन और मन से सहयोग देने का देते हुए साथ निभाने का वादा करती हूँ। संपूर्ण समाज आपके साथ है। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।